यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं क्राफ्टर एमसी स्काई ब्लॉग के एक और न्यू वाले वीडियो पर। तो ये गाइस एपिसोड नंबर 82 होने वाला है। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं रिफोर्ज होता क्या है। गाइस बहुत सारे जो न्यू बंदे हैं उनको पता नहीं होगा, तो हम लोग गाइस पूरा इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्राफ्टर एमसी खेल रहा हूँ। गाइस आपने देखा होगा गाइस इनचांटिंग टेबल से हम अपने कुछ भी आइटम को इनचांट करके उसे और पावरफुल बनाते हैं। तो सेम एज लाइक गाइस ऐसे ही ये भी रिफोर्ज एक सिस्टम होता है जिससे आप पैसा दे के अपने जो भी आइटम है उसे आप रिफोर्ज करवा सकते हो। ओके, तो गाइज अगर मैं अभी अपना आर्मर की बात करूं तो देख सकते हैं गाइज मेरा जो मैग्मा वाला हेलमेट है, यहाँ इसका नाम देखूं तो गाइज यहाँ मैग्मा हेलमेट नहीं है, इसके आगे एक और टाइटल ऐड हो गया है। ये है गाइज टाइटैनिक मैग्मा हेलमेट। इट मीन्स गाइज इसमें जो रिफोर्ज लगा है वो टाइटैनिक नाम का रिफोर्ज लगा हुआ है, जिस वजह से गाइज ये हेल्थ 25 प्लस और दे रहा है। नॉर्मल हेल्थ गाइज 139 प्लस 4। ओके, इसके बाद ये टाइटैनिक वाला जो रिफोर्ज है ये प्लस और 25 दे रहा है। ओके, ऐसे गाइज डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी गाइज डिफेंस मुझे और 25 प्लस यहाँ पर एक्स्ट्रा दे रहा है। ओके, तो यहाँ रिफोर्ज गाइज अलग अलग होते हैं, और साथ ही साथ गाइज पैसा की बात करूँ तो पैसा भी अलग अलग रिफोर्ज करवाने के लगते हैं। साथ ही साथ ये लक भी रहता है, बहुत बार रिफोर्ज करवाने के बाद भी नहीं लगता है, और बहुत सारे वैसे रिफोर्ज होते हैं जो तुरंत लग जाते हैं। ओके, तो अभी गाइस यहाँ पर दिखा दिया मैं आपको कि यहाँ पर टाइटैनिक नाम का रिफोर्ज लगा हुआ है। सबसे बेस्ट जो होता है ये यही रिफोर्ज होता है टाइटैनिक नाम का। ओके, तो गाइस देखो मैं एक्चुअली बना रहा था, फिर मुझे याद आया बहुत सारे बंदे को एन्चेंटिंग टेबल वगैरह तो पता है। ओके, एनविल वगैरह भी मैं बताया था बहुत पहले। ओके, कि एनविल वगैरह में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, ये भी सिमिलर लाइक अपग्रेड करने का ही आइटम है, तो गाइस कैसे कर सकते हैं? तो आज हम लोग वही रिफोर्ज के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना कैमरा एंगल गाइस चेंज करता हूँ, साथ ही साथ मैं नॉर्मल एक आइटम लेता हूँ और उसके बाद ना मैं उसे रिफोर्ज करके आपको दिखवाता हूँ। तो ये चेस्ट में ये रहा गाइस एक मैग्मा हेलमेट, नॉर्मल हेलमेट। यहाँ पर नाम देख लो गाइस। ओके, ये नाम है मैग्मा हेलमेट। हेल्थ कितना दे रहा है गाइस? 50 का, डिफेंस 15 का। ओके, तो यहाँ गाइस अगर मैं इसे इंचांट करना चाहूँ तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा, ओके, इसके बाद मुझे यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होगा मैग्मा हेलमेट। ओके, तो देख सकते हैं नीचे में टाइटैनिक मैग्मा हेलमेट, इट मीन्स जो मैं पहना हुआ हूँ ये हेलमेट है, और मैग्मा नॉर्मल है, इट मीन्स ये मेरे इन्वेंट्री पर जो है। ओके, तो यहाँ क्या होता है इंचांट टेबल में होता क्या है कि प्रोटेक्शन अगर आप लगाओगे तो यहाँ गाइस आपको क्या क्या देखने को मिलेगा देख सकते हैं। अगर आप प्रोटेक्शन लगाते हो तो आपका जो डिफेंस है वो 15 और बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए हमें पे करना होता है अपना एक्सपीरियंस। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तभी आप इससे अप्लाई कर सकते हो। इट मीन्स गाइस एक काइंड ऑफ फ्री है। ऐसे गाइस अगर मैं फायर प्रोटेक्शन पर जाऊं तो हर एक लेवल के हैं, तो अगर मैं लेवल 5 का फायर प्रोटेक्शन लगाना चाहूं तो ये क्या करने वाला है? तो ये गाइस मुझे प्रोटेक्शन का 10 प्लस ओके ट्रू डिफेंस फायर और लावा पे देने वाला है। तो ऐसे ही गाइस हम लोग इसे अभी रिफोर्ज करने वाले हैं। तो जैसे गाइस मैं रिफोर्ज करूँगा, ये जो नॉर्मल मैग्मा हेलमेट है ये इसका नाम गाइस चेंज हो जाएगा। कभी भी किसी का भी हेलमेट में अगर आप नाम के आगे नॉर्मल मान लो वो बंदा डायमंड का सेट पहना हुआ है या फिर गाइस डायमंड हार्डनेट सेट पहना हुआ है, लेकिन उसके नाम के आगे कुछ लिखा हुआ है, इट मीन्स गाइस उस नाम का वो रिफोर्ज पैसा देके लगाया है। ओके, तो यहाँ गाइस अभी मेरे पास मनी वगैरह की बात करें तो मनी तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी है, तो मैं फास्ट ट्रेवल करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम लोग पार्क पर जाते हैं। मैं सिर्फ एक ही आइटम ले रहा हूँ, अगर आप बोलते हो ना तो एक मिनट मैं एक और आइटम ले लेता हूँ। एक मिनट, ये रहा डायमंड पिकेक्स को हम लोग रिफोर्ज एक बार करके देखते हैं। ओके, फिर गाइज आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। तो मैं फास्ट ट्रेवल यूज़ करता हूँ,
इसके बाद मुझे विलेज जाना होगा। हम लोग गाइस सेंटर पर जाते हैं, नहीं मार्केट वाले जोन पर। ओके गाइस, तो जैसे ही आप यहाँ पर सेंटर पर आ जाओगे, ओके इधर देख सकते हैं आगे में मैप बना हुआ है, आपको जस्ट गाइस पीछे की साइड जाना होगा। ओके तो यहाँ पर आपको ब्लैक स्मिथ देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको यहाँ पर ऊपर आना होगा। ये जो लीडर बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है गाइस, ओके ये ब्लैक स्मिथ सामने जस्ट पीछे गाइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर सामने आ चुका हूँ, ये रहा हम लोगों का ब्लैक स्मिथ, यही बंदा हमें करके देने वाला है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये गाइस यहाँ पर मैग्मा हेलमेट लिखा हुआ है। ओके तो गाइस फोर्ज आइटम में अगर मैं क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं गाइस मेरा जो फोर्ज आइटम है, फर्स्ट बार क्लिक किया तो ये लाइट नाम का रिफोर्ज करवा दिया। अगर मैं यहाँ पर अगेन क्लिक करता हूँ तो ये गैस क्या किया, स्मार्ट नाम का एक रिफोर्ज था वो गैस इन्होंने लगा दिया। तो ये रैंडम बढ़ते जाते हैं, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर इसका हेल्थ बताऊँ तो हेल्थ में क्या है 12 प्लस वो हेल्थ दिया। ऐसे अगर अगेन गैस अगर मैं फिर से रिफोर्ज करवाऊँ तो ये भी गैस यहाँ पर 12 दिया, लेकिन इस बार डिफेंस नहीं दिया, वाइज नाम का ये एक रिफोर्ज है। फिर अगेन ऐसे ही हम लोग करेंगे तो ये गैस यहाँ पर क्रिटिकल डैमेज घटा दिया, हैवी नाम का ये रिफोर्ज है जो कि माइनस क्रिटिकल डैमेज -3 करवा दिया, हेल्थ कुछ नहीं दिया, डिफेंस 65 ओनली दिया, ओनली डिफेंस पर ये फोकस है। हैवी स्पीड की बात करें, स्पीड भी गैस एक घटा दिया। ओके ऐसे गैस अगर मैं फिर से करूँ तो इस बार क्या दिया, ये गैस मुझे क्लीन नाम का एक रिफोर्ज दिया जिसमें क्रिटिकल चांस 8 है, हेल्थ 15 है, डिफेंस गाइस 15 है। तो ये दरअसल क्या है, ये आपका यहाँ पर रेंडम ये अप्लाई करता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में टाइटैनिक वाला रिफोर्ज मिल जाए। बहुत बार होता क्या है कि यहाँ पर आपको वो काफ़ी डिले लगता है फिर जाके वो मिलता है। तो यहाँ गैस ये सब जो प्रोसेस है रिफोर्ज वगैरह करने में, ये इसमें कितने पैसे लगते हैं, तो अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ ऊपर में ही गैस 2500 लिखा हुआ है, देख सकते हो कि क्लीन मैग्मा हेलमेट जो कि अभी फ़िलहाल लगा हुआ है। मैं अगेन फिर से फोर्ज करूँगा तो ये मुझे अगेन गैस फिर से स्मार्ट वाला रिफोर्ज बना के दिया। ओके फिर से अगर किया तो ये मुझे प्योर वाला बना के दिया, और अगेन अगर मैं फिर से करूँगा तो ये फिर से क्लीन मुझे दे रहा है, साथ ही साथ फिर से प्योर दे रहा है, और अगेन गैस क्लीन, और फिर से गैस इस बार ओके। तो फाइनली गैस मुझे यहाँ पर टाइटैनिक नाम का ये जो रिफोर्ज है जो कि सबसे पॉपुलर है अपने आर्मर वगैरह में लगाने का, तो ये मुझे 25 प्लस देने वाला है। तो देख सकते हैं अभी सबसे हाईएस्ट यही हेल्थ और डिफेंस देता है, और इस वजह से बंदे जो हैं, आप कमेंट वगैरह देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि बहुत सारे बंदे मुझे पूछते हैं कि बेस्ट रिफोर्ज कौन सा होता है आर्मर के लिए। तो ये है गाइस टाइटैनिक नाम का रिफोर्ज, ओके जो कि ब्लैक स्मिथ करके देगा, पैसा कितनों भी लग सकते हैं, रैंडम भी लगते हैं, मतलब कि बहुत बार एक दो बार में हो जाता है, और बहुत बार में क्या होता है कि हमें ज़्यादा समय लेता है। एक और चीज़ गाइस, जब मैं यहाँ पर रिफोर्ज पर क्लिक किया तो आपने देखा कैसे स्मार्ट वाइज नाम का टाइटैनिक नाम का रिफोर्ज का नाम आ रहा था, अलग अलग एबिलिटी मुझे देखने को मिल रहे थे। लेकिन गाइस यही जगह अगर आप डायमंड का हार्डनेस सेट लेके आओगे या फिर कुछ अलग आइटम लाओगे ना, तो रिफोर्ज का गाइस नाम और एबिलिटी सब चीज़ गाइस चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि यही सेम रिफोर्ज दूसरे आर्मर में भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं डायमंड का सेट लेके मान लो आता तो हो सकता है कुछ और नाम के मुझे रिफोर्ज यहां पर देखने को मिल जाते। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर अगर मैं अभी दिखाऊं ये हेलमेट का नाम, तो ये हेलमेट नॉर्मल हेलमेट का नाम चेंज होके टाइटैनिक नाम ऐड हो चुका है। ओके बाकी ये चमकने वाला का बात करें तो देख सकते हैं गाइस मेरा हाथ में जो हेलमेट है वो चमक नहीं रहा है। दरअसल गाइस ये आप इस पर इंचांटेड जब तक नहीं करोगे, इंचांट नहीं करोगे तब तक गाइस ये चमकता नहीं है। नॉर्मल आप कुछ भी रिफोर्ज वगैरह या फिर एनविल में लगा के कुछ अगर ऐड कर देते हो तो उससे गाइस आपका हेल्थ वगैरह बढ़ जाए। ये जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है चमकने वाला, ओके देख सकते हैं, ओके इंचांट
इंटेंटिंग वाला। तो ये गाइस सिर्फ और सिर्फ जब आप यहाँ पर इंटेंटिंग टेबल में लगाओगे कुछ भी आइटम तो ये सब उसके बाद से चमकने लग जाता है। बाकी गाइस यहाँ पर मैं क्या क्या लगाया हूँ वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो आपको आर्मर में हमेशा ग्रोथ 5 और प्रोटेक्शन दो चीज़ आपको लगाना होता है, ये सबसे बेस्ट है। आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ गैस अगर कभी भी कुछ भी पाते हो आइटम आपको नहीं पता है तो जैसे ही मान लो बूट पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये गैस लिखा हुआ टाइटैनिक मैग्मा बूट, इट मींस गैस ये बंदा या जो भी बंदा है उन्होंने टाइटैनिक नाम का रिफोर्ज लगाया है। नीचे गैस क्या क्या प्रोटेक्शन है वो लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है गैस ग्रोथ 5, इन्होंने इनचैंटिंग टेबल में ग्रोथ 5 लगाया है जिसके चलते इन्हें 75 प्लस हेल्थ देखने को मिला है। और ऐसे ही गैस प्रोटेक्शन 5 लगाया है जिसके चलते इसको डिफेंस प्लस 15 देखने को मिला है। अगर टाइटैनिक की बात करें तो टाइटैनिक ऊपर में ही लिखा हुआ है, टाइटैनिक इसको हेल्थ 25 मिला है और टाइटैनिक ने इसे डिफेंस जो दिया है वो है गैस 25 प्लस। ओके, तो होपफुली आशा करते हैं गैस ये वीडियो देख के आपका रिफोर्ज नाम का जो भी कन्फ्यूज़न था वो होपफुली गैस क्लियर हो गया होगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा रिफोर्ज आप लगा रहे हो। बाकी मैं आपको बता दिया इस ये आर्मर के लिए आप अगर इनचेंटिंग टेबल में कुछ करना चाहते हो तो आपको ग्रोथ और प्रोटेक्शन दो चीज़ें लगाना है। रिफोर्ज लगाना चाहते हो तो फिर गैस आपको टाइटैनिक वाला रिफोर्ज ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इसके साथ ही और एक्स्ट्रा आपको हेल्थ बढ़ाना है तो एक और आइटम आता है वो है गैस हॉट पोटैटो बूट। तो ये कैसे यूज होता है अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं बता दूंगा। तो ये एक और तरीका है जिससे हम लोगों का ये जो हेल्थ वगैरह है इससे गैस और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ कुछ मेथड हैं जो कि जिनसे कि आप नॉर्मल अपने जो भी आर्मर है उसे और पावरफुल बना सकते हैं। ओके गैस, तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बता देना। जो भी बंदे न्यू देख रहे हैं गैस हम लोग ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियो लाते रहते हैं। गैस मैं खेलता हूँ क्राफ्टर MC रियल हाई पिक्सल और साथ ही साथ फेक पिक्सल। तो अगर आप खेलना चाहते हैं फेक पिक्सल या रियल हाई पिक्सल कैसे मैं खेलता हूँ मैं इसका वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो मेक श्योर गैस आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लो। ओके, तो चलो गैस अभी के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।